हेलो फ्रेंड्स, गाड़ी है हुंडई क्रेटा और इस क्रेटा में आज कुछ एक अलग सा काम मैं करने वाला हूँ जो आपके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा अगर आपकी किसी भी कार के अंदर टर्बो चार्जर है तो। करने क्या वाला हूँ, देख रहे हैं कि मैंने ये बम्पर यहाँ से हटाया हुआ है, बम्पर हटा के यहाँ रख दिया है और आज जो मैं काम करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ इस इंटरकूलर पे। इंटरकूलर क्या है, काम क्या करता है, थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं आपको। इंटरकूलर जैसे कि नाम से पता लग रहा है, कूल करने की चीज़ है। ये जो हवा आती है जो हमारा टर्बो देता है कंप्रेस्ड एयर, उस एयर को ठंडा करने का काम करता है। अगर वो एयर ज़्यादा गर्म होगी तो फिर आपका इंजन अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा, तो उस एयर को ठंडा करता है ये इंटरकूलर। और कई बार होता क्या है कि टर्बो के लीक होने की वजह से या फिर वैसे भी थोड़ा बहुत ऑयल इस इंटरकूलर में आके जमा हो जाता है, और जमा होने के बाद प्रॉब्लम क्या क्या आती है। सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम आती है, आपकी कार ब्लैक स्मोक देने लगती है। सेकंड चीज़, पिकअप उतना अच्छा नहीं आता जितना पहले रहा होता है। तीसरी चीज़, अगर इसमें ज़्यादा ऑयल भरा रहेगा तो वो आपके इंजन के लिए भी हार्मफुल होगा। तो आज इस इंटरकूलर को हम खोलेंगे और खोल के करेंगे क्लीन। क्लीन करने का तरीका क्या है वो भी इस वीडियो में देखेंगे। खोलना बिल्कुल आसान है, करना क्या है, दो बोल्ट दिख रहे हैं 10 mm के, इनको रिमूव करूँगा। पाइप लगा हुआ है क्लैंप के साथ, ये क्लैंप को लूज़ करूँगा, ये दिख रहा है क्लैंप, और एक क्लैंप यहाँ पे है नीचे इस पाइप को लूज़ करने के लिए, ये दिख रहा होगा। तो इसको लूज़ करने के बाद मैं इस इंटरकूलर को निकाल लूँगा बाहर। मैं ये दोनों बोल्ट और क्लैंप लूज़ करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये बोल्ट खोला, ये आ गया हमारा क्लैंप बाहर, बुश भी हटा देते हैं। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा लगा हुआ, ये है मैप सेंसर। कनेक्टर हटा दूंगा इसका मैं, ये कनेक्टर है मैप सेंसर का और ये मैंने इसको डिसकनेक्ट कर दिया। क्लैंप को लूज़ करके लेता हूँ, क्लैंप कर दिया मैंने लूज़, और अब हमको सिर्फ पाइप निकाल लेना है। ये आ गया पाइप, देख रहे हैं ऑयल के ट्रेसेस हैं यहाँ पे, और यही ऑयल के ट्रेसेस होते हैं जो हमको नुकसान करते हैं। यहाँ से दो प्लास्टिक बटन खोल के ये एयर डक्ट जो है इसको भी बाहर निकाल दूंगा। अब इससे क्या है, काम करना इजी हो जाएगा, अदरवाइज क्लैंप खोलने के लिए जगह नहीं थी वहाँ पे। ये क्लैंप था, क्लैंप को कर लिया लूज और अब सिंपल हमको ये बाहर निकाल लेना है। देख रहे हैं इसमें भी ऑयल है, यहाँ तक एक केबल टाई लगी हुई है यहाँ पे, इसको भी रिलीज कर दूंगा मैं। यहाँ पे थी वो टाई, इसको भी मैंने निकाल दिया। ये जो केबल टाई का लॉक देख रहे हैं ना, कई बार इनको खोलने में दिक्कत होती है, तो अक्सर हमारे भाई लोग क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए इसको तोड़ देते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, ओरिजिनलिटी चली जाती है। मुझे करीब 5 मिनट लग गए इसमें एक्स्ट्रा, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, 5 मिनट लग गए लेकिन जो चीज़ जैसी थी वैसे मैं फ़िट कर पाऊँगा। थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें ज़रूर, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर वो बात आती है। ये आ गया जी हमारा इंटरकूलर, इसके अंदर देख रहे हैं ऑयल के ट्रेसेस हैं, और ऑयल है इसके अंदर, ट्रेसेस क्या हैं यहाँ तक आया है। अभी ये आ गया हमारा इंटरकूलर, अब इसको चलेंगे हम क्लीन करने के लिए। क्लीन करने के लिए आप चाहें तो थिनर का यूज़ कर सकते हैं या फिर डीजल या पेट्रोल का भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से इसको सिर्फ क्लीन करना है। और क्लीन करने के बाद पानी का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पर्पस इतना है कि इसको अच्छे से अंदर से इंटरनली साफ़ हो जाना चाहिए, ऑयल के जो ट्रेसेस हैं ये नहीं रहने चाहिए। अभी देखिए इसको क्लीन करने के लिए मैंने एक टब ले लिया खाली। ये आ गया हमारा जी इंटरकूलर, एक मैंने ऐसी कैप बना ली है जिस कैप को मैं यहाँ पे ऐसे फिट करने वाला हूँ, ये यहाँ पे। इसका पर्पस क्या है, यहाँ से हमारा पेट्रोल नहीं निकलेगा, और मैंने अब लिया है ये पेट्रोल इसको क्लीन करने के लिए। ये हिस्सा हमारा है ऊपर का और ये नीचे का, सिंपल मुझे यहाँ से पहले इसमें पेट्रोल डाल देना है। लगभग मैंने आधा लीटर के आसपास इसमें पेट्रोल डाल, करना बिल्कुल सिंपल, ये दोनों यहाँ से पकड़ने हैं इस तरह से, बस पेट्रोल निकलना नहीं चाहिए। ऊपर भी करके कर सकते हैं ऐसे ऐसे, फिर इसको एक बार उल्टा भी करना है मुझे। हम्म,
पहले नीचे कर लूँगा ऐसे एक साथ, फिर एक बार पलटूंगा ऐसे, फिर ऐसे। मतलब पर्पज़ यह है कि इसको इंटरनली हमको वॉश करना है ये। और अब ये देखिए, देख रहे हैं पेट्रोल के साथ क्या आया, ऑयल। एक बार और करूँगा, ये देखिए। और पेट्रोल के साथ साथ ये देख रहे हैं कचरा जमा हुआ, ये आ रहा है ये। एक बार और डालूंगा और ये मैंने निकाल दिया तीसरी बार का भी। ये देख रहे हैं कचरा आ रहा है। इससे क्या होगा, इसकी पूरी जितनी लाइन थी वो लाइंस भी अच्छे से साफ हो जाएंगी। और अब ये थोड़ा सा लास्ट में बचा हुआ था, ये भी डाल देता हूँ। अभी देखिए इसमें का जो पेट्रोल था जो क्लीन करके हमने निकाला था वो सारा मैंने दोबारा से इस बोतल में डाल दिया, पूरा काला निकल गया ये इसमें। और इसके नीचे जो कचरा है ये तो आपको दिख ही रहा होगा, ये देखिए। मतलब जो लाइंस में पार्टिकल्स थे वो भी साफ हो गए और हमारी पूरी लाइन अच्छे से साफ हो गई। और ऑयल जो था वो सारा हमने यहाँ पे निकाल दिया। अब एक बार इसको हम वाटर से वॉश करेंगे, पानी से सादे। अभी देखिए नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या लिया है, सिर्फ पानी। ठीक, ये लिया है मेरा इंटरकूलर और इंटरकूलर को इसमें डिप कर दिया मैंने सोक करने के लिए। अब मैंने लिया है ये लिक्विड डिटर्जेंट, कोई भी डिटर्जेंट ले सकते हैं, पर्पज़ हमारा सिर्फ वॉश करने का है। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा पानी भर लूँगा। डिटर्जेंट का हार्ड सॉल्यूशन, अब इसको वॉश करना है हमें। सेम वैसे ही शेक करना है जैसे हमने पेट्रोल से इसको वॉश किया था। और अब खाली कर दिया मैंने। अब जो ये लिक्विड डिटर्जेंट है थोड़ा सा ये जो बीच में ये फिन्स दिख रहे हैं आपको, ये डैमेज नहीं होने चाहिए, इस हिसाब से इसको वॉश करना है। मैंने बहुत मुलायम ब्रश लिया हुआ है, अभी हार्ड का भी अप्लाई करूँगा लेकिन किस तरह से वो भी दिखाता हूँ। अभी पहले मैं एक बार इसको कर दूँ क्लीन। और ये जितना ज़्यादा क्लीन रहेगा आपका ये जो इंटरकूलर है उतना अच्छा परफॉर्म करेगा। जितना गंदा हुआ मतलब समझ लीजिए परफॉर्मेंस उसकी पूरी नहीं आ पाएगी। टूथब्रश थोड़ा सा हार्ड है तो ऐसे चलाएंगे। अब इसके बाद मैं इसको एक बार पलट दूंगा इस तरह से। पलट दिया। अब जो था हमारा इंटरकूलर पूरा अच्छे से वॉश हो गया। अब एक स्टेप और है, अभी थोड़ा सा इसको और सोक करने देता हूँ। अब इसको मैंने कर दिया अच्छे से डिप और कर दिया इसको फोम से मैंने कवर। थोड़ी देर इसको छोड़ दूंगा और उसके बाद इसको करेंगे हम फ्रेश वाटर से वॉश।
अभी इसके बाद अब टाइम है इसको वॉश करने का फ्रेश वाटर से। ये लिया है मैंने फ्रेश वाटर, अब मैंने इसको कर दिया अच्छे से वॉश। अंदर से भी और बाहर से भी। बस एडी हेल्प करो, मेरी एडी डालो। हाँ ये देखिए, ये एडी मेरी हेल्प करने आया। एडी यहाँ बेटा, यहाँ वहाँ नहीं। ए, 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 एडी इधर इधर डालो, इधर यहाँ डालो। वेरी गुड, एडी हमारी हेल्प कर रहा है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। यह है एडी और हमारी हेल्प करते हुए, ठीक है। बस 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 अभी अच्छे से वॉश हो गया है, अब इसको पूरा प्रॉपर तरीके से सूखने देंगे। पहले इसको ऐसे रखूँगा, सारा पानी नीचे आएगा ये ऐसे। और अभी टाइम भी थोड़ा ज़्यादा हो गया है, अब मैं इसको फिट करूँगा मॉर्निंग में। तो अभी फाइनली इंटरकूलर हमारा बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका है, अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से, कहीं कोई ऑयल के ट्रेस नहीं है, देख रहे हैं पूरा क्लीन हो गया। और अब यहाँ पे हमको टाइम है हमारा मैप सेंसर लगाने का, कर लेंगे टाइट। अभी इंटरकूलर हमारा तैयार हो गया है फिट होने के लिए, अब इसको हम वैसे ही फिट करेंगे जैसे हमने इसको निकाला था, आराम से, कहीं टकराया नहीं। बस तो फाइनली इंटरकूलर के मैंने ये ब्रैकेट भी टाइट कर दिए, नीचे से भी परफेक्ट फिट हो गया, फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट ओरिजिनल कर दी हमने, दोनों पाइप टाइट हो गए। और अब आ गया हमारा ये मैप सेंसर का कनेक्टर, और मैप सेंसर को भी हम ऑलरेडी क्लीन कर चुके हैं, ये लग गया कनेक्टर। और ये जो अब इंटरकूलर है हो गया हमारा क्लीन, और इसका परफॉर्मेंस बिल्कुल ऐसा होगा जैसे कि नया इंटरकूलर परफॉर्म करता है। कैसे क्लीन किया जाता है वो मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन हाँ इसको करने के बाद जो कार में आपको बूस्ट मिलता है, जो आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होता है, आपको देख के ऐसा लगेगा कि कुछ 20-50 हज़ार रुपये का कोई पार्ट हमने इसमें चेंज कर दिया होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल मेरा मकसद ये था कि इन सारी चीज़ों से आपको अवेयर करूं, ताकि इन सारी चीज़ों के बदले में मोटी रकम आप देने से बच जाएं। कई जगह ऐसा होता है, मैं ऐसा सबके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं, छोटी छोटी टिप्स सब जानते हैं, लेकिन इसको करने के बाद इसके बदले में कुछ अलग चीज़ भी दिखा देते हैं कि साहब ये पार्ट हमने डाला तो इसलिए आपकी गाड़ी का परफॉर्मेंस ऐसा हो गया, और आपको एक मिनट नहीं लगता मानने में कि साहब बिल्कुल सही कह रहा है। हुआ होगा बिल्कुल, क्योंकि मैं चला रहा हूँ और चलाने में गाड़ी में मुझे परफॉर्मेंस में फील हो रहा है। मकसद मेरा यही है कि आपको आपके कार के मेंटेनेंस के बारे में अवेयर करूं, ताकि ये जो मोटे मोटे खर्चे लगने वाले, जिससे आप लोगों को डर बन जाता है कि साहब बहुत मोटा मेंटेनेंस है, खर्चा बहुत ज़्यादा है, कैसे करेंगे, तो वो सारे खर्चों को रिड्यूस कर पाएँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो और मेरी मेहनत से अगर खुश हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मन में कोई सवाल आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।